Hello students, and welcome to the session. हमारे ये सीरीज ऑफ वेक्टर्स की जो हमारी वीडियोस है इसमें एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में वो है पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स. तो जनरली एक डायरेक्ट डेफिनेशन पे एक वन मार्कर जरूर आता है. ठीक है, एक वन मार्कर जरूर आता है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बट चीज़ों को समझना, चीज़ों को एक्सप्रेस करना, कैसे हम यू नो स्टेप्स को एग्जाम में डालते हैं जैसे हमें फुल मार्क्स मिले, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये सवाल ये कहता है कि भाई ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी ये दोनों इक्वल हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर. ठीक है, ठीक है, जीरो वेक्टर नल वेक्टर नहीं है. उसके बाद ये कहता है अगर ये कंडीशन फॉलो होता है देन वी हैव टू शो दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू टी बी. अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, ए प्लस सी इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी. So the definition of parallel vectors or collinear vectors comes into picture. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस चेन को समझे कि parallel vectors होता क्या है. अगर हम parallel vectors की बात करें, दो vectors parallel हैं, right? ये बहुत important है, इस चेन को समझे एक बार, या फिर collinear कह सकते हैं. If दो चीजें जनरली हम यूज करते हैं, एक तो हम ये कहते हैं भाई एक जो वेक्टर है वो स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर. दिस इज व्हाट वन कंडीशन इज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. द अदर वन इज इनका हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है. बेटा ये हमेशा याद रखें आप, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूंगी. दिस आर द टू कंडीशंस. ठीक है, दो वैक्टर्स पैरेलल है या फिर कोलिनियर है अगर एक वैक्टर दूसरे वैक्टर का स्केलर मल्टीपल है, और दूसरा वेक्टर और ए और बी अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं इनका क्रॉस हमेशा जीरो होगा. बेटा ए क्रॉस बी इज ऑलवेज जीरो, राइट. नाउ ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग यहां कैसे यूज कर सकते हैं, या कोई इसका यूज है या नहीं, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. ये चलो हम देखेंगे अभी कैसे यूज होगा, बट यहां इसके बारे में तो हम कह सकते हैं कि ये दिखने में कुछ ये इसके साथ कुछ लिंक कर रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं. तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, व्हाट विल डू हियर, हम इस कंडीशन को पहले लिखते हैं. बेटा ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस कंडीशन को लिखते हैं. देखिए ये बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, आप मैं इसके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ये कंडीशंस आपको दिए हैं. ठीक है, आप इसे इधर लेके आते हैं. पहले तो ए क्रॉस बी, राइट, वन मार्कर है ऑब्वियसली, बट द कॉन्सेप्ट is very interesting. ये आ गया आपके पास, है ना, ऐसे, right? So I can write it as A cross B, my dear student. Okay? इसको मैं change कर देता हूँ, minus B cross E, तो I can write it as C cross B, बेटा, which is equal to zero. देख रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे A plus C cross B लिख सकता हूँ, right? Can you see that? I can write it A cross B and C cross B. So if we see the definition, this and this A plus C cross B is equal to zero. That means they are. See, इसे हम ये prove कर सकते हैं कि भाई A plus C है ना and B are parallel vectors. बेटा ये आपका parallel vectors है. ठीक है, these are parallel vectors. If they are parallel vectors, that means A plus C is a scalar multiple of B, right? Can you see that? देखो आप. तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो concept है ये दोनों लग गए यहाँ पे. One marker है obviously, but why I am doing this? Because such type of questions is generally asked in the examination. मैं फिर से एक बार बता दूँ. जनरली वट वी से टू वैक्टर्स आर पैरल, ठीक है, और कोलिनियर वेन वन वैक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर. दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. द अदर वन इज द क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, द क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो. ठीक है ना, सो दिस इज द क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन,
ये आपके पास कुंडलिक, तो कंडीशन ये दिया हुआ है, इसको मुझे ए प्लस सी और बी को पैरेलल प्रूफ करना है, तो बी क्रॉस सी को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाता हूँ. सो ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी, आई कैन राइट इट एज सी क्रॉस बी, राइट, एंड बी ए प्लस सी क्रॉस बी आई कैन राइट विच इज इक्वल टू जीरो. ऑब्वियसली ए प्लस सी एंड बी दे आर द पैरेलल वैक्टर्स, इफ दे आर पैरेलल वैक्टर्स वन वैक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वैक्टर्स. गॉट इट? Okay, so I hope you understood this particular concept. This is a very important concept. इस पर बहुत सारे questions आपके books में होंगे, आपके exams में भी आते हैं. आप इसे एक बार go through जरूर करें. Thank you. God bless.